ये भी हमारे पास आ गया, तो मैं वीडियो अभी बना दे रहा हूँ, पर इसका आपको मालूम ही है वुमेन से रिलेटेड। मैं आपको ए टू जेड सब अपना एक पीडीएफ बना के आपको समझा दूंगा, और उससे बाहर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट ईयर में मैंने बोला था और सेम वैसे ही सारी चीजें हुई थी। इस साल हालांकि एक साल में क्रिकेट काफी चेंज हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर की चैंपियन हमारी हरमनप्रीत कौर का तो चेहरा नहीं दिख रहा, बंदे ने शायद कैप्टन नहीं डाला, ठीक है। तो ये हरमनप्रीत कौर यहाँ कैप्टन रहेंगी, ये इनकी नेटलिस्ट कैरियर ब्रांड है। मैग लैनिंग इनकी कैप्टन, आपकी दिल्ली की कैप्टन मेरे हिसाब से सेम ही रहेगी, अलिशा हेली, ठीक है, आपकी स्मृति मंदाना आपकी आरसीबी की कैप्टन, और इनकी कैप्टन पता नहीं कौन है, गुजरात जायंट्स की, मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं टीम एक एक करके डिसीजन लेते हैं, आराम से देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है वुमेंस का, आपका 22 मैच है, मतलब सारी टीम आपस में मेरे ख्याल से दो दो मैच खेलेगी, चार पाँच सात आठ नौ दस, और डायरेक्ट टॉप थ्री होती हैं, तो सेकंड और थर्ड का मैच होगा, फिर फाइनल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट मैं करता हूं, जैसे 22 मैच है तो 1 2 3 4 ये चार खेलेगी, फिर ये तीन खेलेगी, फिर ये दो खेलेगी, फिर ये एक खेलेगी, इस तरीके से 10 मैच हुआ। इस तरीके से करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। देखिए इन सबसे कोई फर्क नहीं है, इंडिया की पिचेस फ्लैट होती हैं, आईपीएल में भर के रन बनते हैं, डब्ल्यूपीएल में भर के रन बनते हैं, वो पहली वाली बात खत्म हो गई, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेट लवर लोगों को छक्का चौका पसंद है, मेरे को वो पसंद नहीं है, हमारे लिए वो वर्थ इट नहीं होता, हमारे लिए होता है कि भाई विकेट्स भी गिरे, अगर स्पिन भी कटे तब ट्रू वैल्यू पता चलती है। तो ये सबसे कोई रिकॉर्ड पता नहीं चलता, रन बनेंगे 160 70 80 तक भी टोटल बनेंगे, ठीक है, लास्ट ईयर भी आपने देखा था। तो हम एक एक करके टीम का डिस्कशन करेंगे, बेसिक डिस्कशन जो भी मेरे को समझ में आएगा, और उसके बाद हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैंपियन टीम को ही उठाते हैं, हमारी मुंबई की, ठीक है। तो लास्ट ईयर की चैंपियन, इसलिए उन्होंने किसको किसको उठाया उसका एक ऑलरेडी शायद मैंने वीडियो बनाया था। तो हरमनप्रीत इनकी कैप्टन रहेंगी, ठीक है। आपकी यशिका भाटिया मेरे को पर्सनली उतनी पसंद नहीं है, ठीक है, थोड़ा स्लो खेलती हैं ऐसा मेरे को लगता है, और ये बॉल नॉट की मेजर कैंडिडेट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आउट हो जाती है अगर आप उठा के देखोगे तो। अमनजोत कौर नीचे में आती है, काफी क्लास लग रही हैं, और हरमनप्रीत की तरह बैटिंग करती है, और मीडियम पेस बॉलर भी है, ठीक है, वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर अगर कोई है, इतना टैलेंट ना मेंस में भी किसी को नहीं मिलेगा, लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर अमेलिया केयर, ठीक है, इट्स अ डिफेंड बॉलर, लास्ट ईयर मैंने आपको बोला था एकदम क्लास क्रिकेटर, ठीक है। दूसरी अगर इनकी बात की जाए बाहर की, तो नेटलिस्ट कैवियर ब्रंट का आप बॉल नॉट रनियर्स कर सकते हो, काफी तेज खेलती है, हालांकि आउट नहीं होती, आते ही रन बनाना शुरू करती है, और मीडियम पेस बॉलर भी है। क्लियर टारन इधर भी काफी फॉर्म में है, और नीचे में कोई भी मैच अपनी बैटिंग से विन करा सकती है, लेफ्ट आर्म की अच्छी स्पिनर भी है, ठीक है। हाल ही मैच उसको लास्ट ईयर किसी ने लिया नहीं था, तभी मैंने बोला था कि इनसे बेस्ट प्लेयर है नहीं, अब पूरी दुनिया इनको जानती है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरी मार दी, ऐसे क्लास देखिए टैलेंट जो होता है ना पता चल जाता है। वेस्ट की पूरी टीम बेकार है, जैसे ब्रायन लारा हो गया सेम वैसे ही हो गए थे, अभी हाल ही ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर एकदम टॉप क्लास के क्रिकेटर, ओपन बैटिंग करने आती है आप, इनका भी बॉल नॉट स्ट्राइक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा 21 बॉल याद रखना, ठीक है। मैं इनडायरेक्टली ही आपसे बात करूंगा। अब जो इनकी दूसरी एक मेन प्लेयर रहेंगी पूजा काफी अच्छी बैटिंग कर रही है, आपने देखा ओडीआई में काफी रन बना के आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी अच्छी बॉलिंग भी कर रही है, ठीक है। इसबेल वॉन्ग ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हालांकि उधर में ऊपर में आती है इनकी डोमेस्टिक में, और थोड़ा मोटा मारती भी है, ठीक है। तो ये सब इनकी मेन प्लेयर हो गई, सब ने इसबेल का मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं, काफी तेज फेंकती है, और मैं पर्सनली इनको पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये सब मेन प्लेयर हो गई, शायका शायक इंटरनेशनल खेल चुकी है, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, तो यही इनकी मेन प्लेयर है। अब जो बच गई उनको मैं बेसिकली जब मैंने नहीं देखा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन सबको जब तक मैं देख नहीं लेता अपनी आंख से, सिर्फ ये देख करके कि हाँ भाई ऑफ स्पिनर ये है, वो सबसे मेरे को नहीं बताना। मैं बहुत सारे क्रिकेटर आए, बहुत सारे गए, मैंने नाम भी आपको नहीं बताया उन सबका, ठीक है। तो इन सबको खेलने दीजिए, परफॉर्म करने दीजिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन बड़ा प्लेयर है कौन छोटा प्लेयर है, ठीक है। तो ओवरऑल टीम अच्छी आपको मालूम ही है, इनके पास जो बाहर के जितने भी प्लेयर हैं सब टॉप क्लास के क्रिकेटर हैं, और इस बार फिर प्रबल दावेदार आपकी होगी टूर्नामेंट जीतने की, क्योंकि एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर मोर देन इनफ है कोई भी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो गया, अब हम चलते हैं लास्ट ईयर की आपकी फाइनलिस्ट की, ठीक है। फाइनलिस्ट ये तो नहीं थी, हमारी मैग लैनिंग की टीम थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इधर गई यार, मुंबई गुजरात दिल्ली, ठीक है। तो आई बात करते हैं इनके ऊपर, तो इनकी जो मेन प्लेयर रहेंगी सबसे पहले मैग लैनिंग, इनको आउट करना ही बहुत मुश्किल होता है, एकदम क्लास क्रिकेटर, अब इन्होंने छोड़ भी दिया है सब कुछ, ठीक है। पहले बाहर के प्लेयर की बात करते हैं, लॉरा हैरिस देखिए खेलती नहीं है, पर अगर खेलेंगी तो कोई भी मैच अपने दम पे जिता सकती है, ठीक है, एकदम आते ही छक्का चौका मारना शुरू करती है। अगर वैसे बात किया जाए तो चलिए उधर सेंस में मैं नहीं जाऊंगा, ये काफी मोटा मारती है, और कोई भी 10 बॉल मतलब आंद्रे रसल आप मान के चलो वुमेन्स क्रिकेट की, पर टिकती ज्यादा नहीं, इनका बड़ा प्रॉब्लम ये है। एलिस कैप्सी एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक साल में थोड़ा इनका फॉर्म गिरा है, हालांकि प्लेयर अच्छी है नो डाउट, ठीक है, और कहीं ना कहीं बॉल नॉट रनर्स की बहुत हैवी कैंडिडेट है, बॉल नॉट रनर्स की ऑफ स्पिन भी करती है, और इनकी कैप्टनसी काफी अच्छी होती है, तो कोई डरने की बात नहीं है, ये रन भी बना के देंगे, इंडिया के फ्लैट पिचेस में आपको अच्छा खासा आप बोल सकते हो परफॉर्म करेंगे। एनाबेल सदरलैंड अगर कोई नहीं जानता हो, मेरी फेवरेट क्रिकेटर, कोई जानता भी नहीं होगा इसको, अभी हाल ही में डबल सेंचुरी इन्होंने मार दिया टेस्ट में, मैंने पहले ही बोला अगर मैं सबसे पहला प्लेयर अगर किसको चुनूंगा तो एनाबेल को चुनूंगा, उनको कैप्टनसी भी दे दूंगा, परफेक्ट डिफेंड बॉलर है, ठीक है। बैटिंग अगर ये चाहे तो ऊपर में आ सकती है, तीसरे चौथे पे भी आ सकती है, आउट नहीं होती, आखिरी में छक्का छक्का मारती है, तो वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर है ऑलरेडी, अब लोगों को दिखना शुरू हो गया, ठीक है। पर मैं जानता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, आखिरी में 3 ओवर में अगर 2 ओवर एनाबेल सदरलैंड का है तो आप डिफेंड पकड़ सकते हो, आपको बेस्ट डिफेंड होते हुए मिलेगा, इनके पास जो स्लोअर बने वो अभी किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। इनकी जेस जॉनसन एकदम टॉप क्लास लेफ्ट आर्म की स्पिनर, अच्छी बैट्समैन, ये भी अक्सर डिफेंड बॉलर, आखिरी में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने इनको काफी बार यूटिलाइज किया है, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, थोड़ा पीछे से फेंकने लग जाती है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा ये रन नहीं मराती, ठीक है। मेरे जैन कप को सब लोग जानते हैं, ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग में फॉर्म में है, बॉलिंग में फॉर्म में, तो जितनी भी बाहर के प्लेयर्स हैं टॉप क्लास प्लेयर क्रिकेटर इन्होंने उठाया है, तो मेरे हिसाब से जो चार प्लेयर खेलेंगे वो मैक तो खेलेंगी, इसके अलावा आपका मेरेजन कप खेलेंगी, इन सबका कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा एनाबेल सदरलैंड को मेरे हिसाब से हर मैच खेलना चाहिए, वो नहीं खेलेंगे वो उनकी गलती होगी, और जेस जॉनसन खेलनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इनको एलिस कैप्सी और उनको बैठाना चाहिए, अगर नहीं तो खेला सकते हैं, फिर वो जिसको भी हटाएं उनकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इंडिया के प्लेयर के ऊपर जाते हैं, ठीक है।
तो राधा यादव अभी टीम से निकाली गई, लेफ्ट आर्म की काफ़ी अच्छी स्पिनर है, थोड़ी बहुत हिटिंग कैपेबिलिटी है इनके पास, ठीक है। पूनम यादव लेग स्पिनर है, बैटिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। टिटास साधु फ्यूचर इंडिया की, जुनम गोस्वामी के बाद नेक्स्ट नाम इनका आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। अगर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ सारा मैच खेलते तो इंडिया और मैच जीती हो, मैं उस टाइम पर भी बोला था, ठीक है। मिन्नू मानी को अभी मैंने उतना नहीं देखा, नहीं बता सकता। अरुंधति रेड्डी का नाम याद आ रहा है, राष्ट्रीय शादी खेली थी। शिखा पांडे काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद रो भी रही थी। अच्छी फास्ट बॉलर है, हालांकि एज हो चली है, बट नीचे में लास्ट ईयर अच्छी बैटिंग भी इन्होंने की थी, तो ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होंगी, ठीक है। शेफाली वर्मा आप जानते हैं, ऑफिस स्पिनिंग ऑलराउंडर है, हालांकि बैटिंग इनकी मेन है। तो टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, इंडिया की प्लेयर तानिया भाट के एकदम बेकार प्लेयर, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे को एकदम पसंद नहीं है। और जमीमा रॉड्रिगस को आप जानती है, तो जो बच गए मेरे को उतना नहीं पता। एकदम टॉप क्लास टीम है, कोई डाउट नहीं है टीम में, कैप्टनसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमारी ये टीम थी, इस साल भी हमारी ये टीम रहेगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इधर उधर की टीम के बारे में, पीछे से स्टार्ट करते हैं अपन। तो यूपी वॉरियर्स के ऊपर जाते हैं, देखते हैं किसको किसको उन्होंने उठाया है। एलिस आईली कैप्टन, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी कैप्टन है, ठीक है। पर मेरे को लगता है इनकी कैप्टनसी काफ़ी वीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बॉल आउटरनेस की कैंडिडेट है, याद रखिएगा। निकोल डैनी वाइट का सिलेक्शन अच्छा है, ठीक है, अच्छा खेलती है, विकेट थ्रो नहीं करती है, काफ़ी क्लास क्रिकेटर है, ठीक है। ग्रेस हैरिस लास्ट ईयर एक पैसे का जैकपॉट इन्होंने उड़ाया था, एकदम टॉप क्लास की हिटिंग कैपेबिलिटी रखती है। हीट के लिए खेली है, हीट के लिए ओपन करती हैं, हालांकि इसमें नीचे आएंगे ऑफिस स्पिन भी कर लेती हैं, ठीक है। ताइला मेघराज को सभी लोग जानते हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर है, जो मीडियम पेस भी कर लेती हैं और आप कोई भी मैच कहीं से भी जिता सकती हैं, ये भी बॉल आउटरनेस की कैंडिडेट है, ठीक है। सोफिया क्लस्टन अपनी, मैंने अपना लास्ट ईयर बोला था, जब ये बॉल फेंकती है तो बॉल पहले इनसे पूछती है कि भाई किधर गिरना, इतनी टॉप क्लास का एक्यूरेसी किसी के पास नहीं होता जितना इनके पास है। और लास्ट ईयर ये और ये मिलकर एक पैसे का इन्होंने जैकपॉट दिया था, काफी क्लास, इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है। जमाई अट्टापट्टू को इन्होंने ले लिया, काफी अच्छा लग रहा है, पूरे कोई किसी ने नहीं लिया, इनका पूरी तरह से बदनामी हो गया आप मान के चलो। अब जाकर के जब इन्होंने फिर जाकर के हर जगह परफॉर्म किया, सुपर स्मैश में परफॉर्म किया, अकेले दम पे एक लोअर ग्रेड टीम, शायद नॉर्दर्न ग्रेड की टीम थी, इसको ऊपर तक लेके आए, टॉप थ्री में लेके आया, ठीक है। तो ये है जमाई अट्टापट्टू, इनका सिलेक्शन होना ही था। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं एलिसा हिली को हटा करके जमाई अट्टापट्टू को खिलाऊंगा, ऑफ स्पिन करती है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, एटीट्यूड है, ठीक है। आपकी श्रीलंका जैसी बेकार टीम में इतना ऊपर चढ़ के आना, जैसे हाले मैथ्यूज, तो ये है टीम जो बाहर के प्लेयर्स है सब टॉप क्लास है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो पार्श्वी चोपड़ा लास्ट ईयर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, मेरे ख्याल से ये लेग स्पिन है करती हैं और काफ़ी अच्छी बॉलर है। अंजलि सरवनी ठीक ठाक फास्ट बॉलर है, ठीक है। राजेश्वरी गायकॉट एक लेफ्ट आर्म की स्पिनर, काफ़ी टॉप क्लास इंडिया की एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है। दीप्ति शर्मा इंडिया की एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, ठीक है। किरण नवगरे आपको मालूम ही होगा, बहुत मोटा मारती है, ठीक है। श्वेता सहरावत अंडर 19 सेंसेशन, अभी धीरे धीरे इंप्रूव करेगी और इंडिया में आएगी, ठीक है। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ओपन करें इंडिया के लिए। और लक्ष्मी यादव को मैं नहीं जानता, तो टीम में कोई कमी नहीं, वही है सारी टीमें, एक तरह से पांच टीम है, सब आपस में कहीं ना कहीं टॉप क्लास ही प्लेयर इन्होंने उठाए हैं, तो टीम इसमें भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। ऐसे देखा जाए अगर आप मेरे से पूछोगे तो इट्स अ प्योर डिफेंड टीम, मतलब अगर अभी डिफेंड की बात करोगे तो ये बॉलर, ठीक है, ये बॉलर आपकी, ये बॉलर एकदम टॉप क्लास हो गई, मतलब तीन अच्छे प्लेयर, चार अच्छे प्लेयर आप बोल सकते हो। चमारी अट्टा पट्टू अगर खेल ले तो और बड़ी बात हो जाएगी, हालांकि खेलना बहुत मुश्किल है इनका, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के ही चारों तीनों प्लेयर को लेंगे। तो यही है कि टीम में कोई कमी नहीं है, बट इट्स अ प्योर डिफेंड टीम जहां तक मैं समझ रहा हूं, पर पीछे से उतनी फ्लैट रहती है तो मजा नहीं आएगा। लास्ट ईयर फिर इनका हाइप था, मेंस की तरह वुमेंस भी निकल गई, ठीक है। अभी देख लेते हैं सोफी डिवाइन अभी प्राइम फॉर्म में, मतलब भयंकर फॉर्म में, लास्ट ईयर 99 रन बनाया था, अच्छी बॉलिंग कर रही है, वेलिंगटन को इन्होंने चैंपियनशिप भी दिलाई, कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं एलिसा पे, एकदम क्लास क्रिकेटर, मतलब ये इनका भी दोनों बॉल आउटरनेस कैंडिडेट, दोनों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। नाडिया निकलर को कोई नहीं जानता था, मैंने लास्ट ईयर लिखा था, जाके आप मेरा लिख देना कि क्यों इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज आरसीबी ने इसको ले लिया तो बात बड़ी होगी ना, क्योंकि पूरे 11 देश में आप नाडियन डिक्लर को क्यों उठा रहे हो, ठीक है। लास्ट ईयर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, माइका गौर का नहीं हुआ था, आपका दो तीन और प्लेयर से नहीं हुआ था, मैंने जमारी अट्टापट्टू का नहीं हुआ था, तो यही है कि इनको कोई जानता नहीं और एकदम टॉप क्लास की डिफेंड बॉलर है आप मान के चलो, और इनके पास हिटिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी अच्छा कर रही है, इवन मेरिजन कप को ये आप बोल सकते हो टक्कर दे रही है, इतनी अच्छी प्लेयर है, ठीक है। और अच्छी बॉलिंग है, याद रखिएगा इनकी, फास्ट बॉलर है। सोफी मलिंगू का भी सिलेक्शन हुआ, कोई जानता नहीं होगा इनको, कंटिन्यूस दो साल से चोटिल चल रही है, रेनेगेड्स की टीम में रहती है, वुमेंस की तरफ खेल ही नहीं पा रही, अभी भयंकर फॉर्म में, मतलब इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अभी मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यूस विकेट ले रही है, उस टाइम पर मैंने बोला था इनका सिलेक्शन होना चाहिए, इनका सिलेक्शन आरसीबी ने किया, टॉप क्लास लेफ्ट आर्म की स्पिनर है और अच्छी खासी बैट्समैन है, अपनी टीम में ओपन आती है, ठीक है। जॉर्जिया वेलेनहम का भी कोई नहीं सिलेक्शन कर रहा था, मेरे हिसाब से ये एक ऐसी प्लेयर है जो आपको आखिरी के दो तीन ओवर में अपनी बैटिंग से कोई भी मैच जिता सकती है, और लेग स्पिन इनकी अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, पर हाँ ये ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल खेलती है तो विकेट ले लेती है, पर थोड़ी बहुत शॉर्ट बॉल वगैरह फेंक देती है, पर इनकी जो मेन प्लस पॉइंट है वो इनकी बैटिंग है, ठीक है, जो नीचे में आपको मैच विन करा सकती है। केट क्रॉस का सिलेक्शन ठीक है, चाहे तो नहीं भी ले सकती है मेरे हिसाब से, अब क्योंकि एज हो चली है, ठीक ठाक मीडियम पेसर बॉलर है, और देखा जाए तो एकता बेस इंडिया की लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, रेणुका सिंह को सभी जानते हैं, इंटरनेशनल खेलती है। कनिका आहूजा शायद लेफ्ट आर्म की बैट्समैन है, ठीक ठाक बैटिंग की थी लास्ट ईयर, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था मैंने जिनका भी नाम लिखा सब इन्होंने ले लिया। सिमरन बहादुर का सिलेक्शन नहीं हुआ, दो साल पहले WPL में इन्होंने खेला था, मेरे को काफी अच्छी लगी थी, इनके पास हिटिंग कैपेबिलिटी है भी, अच्छी खासी बॉलिंग करती है, अच्छी फील्डर है, तो इनका सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छा लगा। बाकी स्मृति मंदाना को आप जानते हो, शिवानी मंगाना थोड़ा स्लो खेलती है पर डोमेस्टिक की जायंट्स हैं, ठीक है। सतीश शोभा अच्छा लगा मेरे को इनको देख के, शायद ये टेस्ट खेली हैं और अच्छा लग रहा था इनकी बैटिंग, ठीक है, तो अच्छी खासी प्लेयर, ऋचा घोष कोई भी मैच अपनी बैटिंग से जिता सकती है, और बाकी ये दोनों को उतना मैं नहीं जानता, तो टीम वापस से अच्छी है अगर बाहर के प्लेयर्स को आप उठा के देखोगे तो, ये मैं बाद में बता दूंगा जिस हिसाब से टीम खेल रही है। तो देखिए अगर ऐसे आप मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये तो खेलेंगे, ठीक है। अब जॉर्जिया वेलेनहम को भी खेलना चाहिए क्योंकि एक फास्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर रहेगी, अगर आप मेरे से पूछोगे तो इन दोनों को किसी को भी ले सकते हैं, पर सिंस दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो गई तो सोफी मलिंगू की जगह बनती है, ठीक है, तो सोफी मलिंगू आपको मिलेगी और जॉर्जिया वेलेनहम आपको कोई भी मैच अपनी बैटिंग से जिता सकती है, ठीक है। अब फाइनल देख लेते हैं कौन से बच गए, गुजरात लास्ट ईयर की सबसे बेकार टीम थी, बेथमोनी
शुरू में ही छोटी लोग थी। तो देखिए वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब आप बोल सकते हो इनको आउट करने का सोचना भी बहुत बड़ी बात है, बेथ मुनी, ठीक है। फोर ब्लिसफील्ड का सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छा लगा, मैंने बोल दिया था मेरी जो टॉप टू प्लेयर रहेंगी एनाबेल रहेंगी और फोर ब्लिसफील्ड रहेगी। अगर ये एज ए फिनिशर खेलती हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख के रख लो कम से कम एक या दो, अगर ये बैटिंग पे हैं आप याद रखना वो मैच कभी भी वो टीम हारी नहीं है, इतनी बड़ी प्लेयर है, मैं इतना नाम किसी का नहीं लेता हूँ, ठीक है। अगर ये बैटिंग पे है जितना रन भी चाहिए आप इस टीम को पकड़ सकते हो, बशर्ते ये एज अ फिनिशर आए, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिनिशर की भूमिका निभाई है, बस सिंस बाद में जाकर सिडनी थंडर ने इनको ओपन कराना स्टार्ट कर दिया तो वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, इट्स ये एक ओपन कर रही हैं ओडीआई वगैरह में वो एक अलग बात है, बट एज अ फिनिशर अगर ये खेलेंगी तो टॉप क्लास फिनिश करके आपको देंगी, ठीक है। 10 बॉल पे, 15 बॉल पे, 35-35, 40 रन की पारी वुमेंस में आराम से खेल सकती हैं, ठीक है। लॉरा वर्ल्ड वॉट एकदम क्लास खेलती हैं, बट इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट्स इक्वल टू केएल राहुल, ठीक है। लॉरा वर्ल्ड वॉट और केएल राहुल दोनों सेम है, दोनों ही के पास अच्छी बैटिंग कैपेबिलिटी है, पर वो T20 को ओडीआई बना देते हैं और झेलने लग जाते हैं शुरू में और बाद में मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, तो टीम पूरा आप हो सकते बेकार हो जाता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ, शायद लास्ट ईयर खेली थी कि नहीं मालूम मेरे को, पर इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्लास है पर आप क्लास बेकार कर रहे हो, ठीक है। कैथरीन ब्रैस का सिलेक्शन थोड़ा शॉकिंग है, ठीक है। ये आपकी स्कॉटलैंड की शायद प्लेयर है, स्कॉटलैंड की प्लेयर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हालांकि काफी अच्छा खेलती है स्कॉटलैंड में। ये और सारा प्राइस, इन दोनों का बहुत नाम है, प्रतिम चटर्जी भी उसी में खेलती हैं, ठीक है। ये दो तीन प्लेयर का नाम हुआ है, ये डोमेस्टिक खेलती है इंग्लैंड में और काफी रन बनाती है ओडीआई में, सेंचुरी भी मार चुकी है, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छा खेल सकती है, इन्हों 100 में भी शायद वो काले कपड़े में जो थी शायद एमओ की टीम में थी चाहे जिसमें भी थी, तो एक अच्छी प्लेयर है, पर शायद इनका सिलेक्शन हो। एश गार्डनर को आप जानते हैं, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर। लिहा तहयू का भी सिलेक्शन थोड़ा सा शॉकिंग है, मेरे को नहीं लगता है कोई बहुत बढ़िया कर पाएंगे, बट हाँ इनके पास वो हिटिंग कैपेबिलिटी है, पर वो दो साल पहले इन्होंने सुपर स्मैश में दो हर साल इनका रिकॉर्ड रहा है कि एक जैकपॉट ही उड़ा देते हैं, पर सिलेक्शन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये तो खेलेंगी एज एन ओपनर, इनको खेलना ही है एज एन ओपनर, ठीक है। तो ये एज ए फिनिशर खेलें और ये खेलें, बाकी ये दोनों एवरेज क्रिकेटर हैं, अच्छी हैं नो डाउट, बट सिलेक्शन कैसे हुआ नहीं माना, हो सकता है इन्होंने काफी पैसा खर्च कर दिया है फोर ब्लिसफील्ड पे, शायद सबसे महंगी यही भी की है, तो ठीक है टीम अच्छी है अगर यही खिलाते हैं तो। अब आइए इंडिया के टीम के प्लेयर के देख लेते हैं, मन्नत कश्यप का नाम सुना हुआ मैंने, उतना नहीं देखा। कैशवी गौतम पे इन्होंने काफी पैसा खर्च कर दिया, शायद एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जहां तक मैंने सुना, बट मैं कभी हाइप पे नहीं जाता, ठीक है। जैसे सुयाश शर्मा था, काफी हाइप हुआ, पर जब मैंने उसको देखा तो मैंने बोला बंदे में दम है, इसलिए हाइप हुआ, और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर आए और गए जैसे पवन नेगी टाइप के, तो अगर मैं देखूंगा दम लगेगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। मेघना सिंह इंडिया के फास्ट बॉलर है, पर कभी नाम नहीं कर पाई। वेदा कृष्णमूर्ति तो अभी कमेंट्री करती हैं, कैसे सिलेक्शन हुआ पता नहीं। हरलीन दोहल अच्छा खेलती हैं, बट थोड़ा स्लो हैं। स्नेह राणा भी बैटिंग अब भूल गई हैं, अच्छी ठीक ठाक ऑफ स्पिनिंग कर ले रही हैं, अब इनका एज हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। डायलान हेमलता का भी नाम तो बहुत हुआ बट मेरे को कुछ पसंद नहीं आई, ये भी पता नहीं कौन है, ठीक है, ये भी पता नहीं कौन है। तो टीम तो डाउन ही लग रही है अंटिल कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है। मिरेकल उसी केस में हो सकता है इनके बाहर के जितने प्लेयर्स हैं, ठीक है। बाकी टीम एवरेज लग रही है अगर आप मेरे से पूछो तो। हाँ इंडिया के इंटरनेशनल हैं थोड़े बहुत, बट देखा जाए तो अगर ये इनसे इनकी ओपन देखा जाए तो इन दोनों को आउट करना बहुत मुश्किल है। तो बैटिंग तो ठीक लग रही है और नीचे में जाकर ये और ये काफी रन बना लेंगे, आखिरी में ये चेज भी कर सकते हैं। और अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात देखी जाए तो स्नेह राणा, हरदीन दोयल, आपके डायलान हेमलता, वेदा कृष्णमूर्ति, तो एक अच्छी टीम उतनी नहीं बोलूंगा मैं, अभी भी इसमें बहुत इफ एंड बर्ड्स हैं टीम में, अंटिल हर्नांडीज कोई बहुत बड़ा कुछ कमाल ना कर दे, ठीक है, पर टीम में काफी वो है, ठीक है। मैं इसको एज ए चेज टीम मान रहा हूँ, ठीक है। मैं डिफेंड तो बिल्कुल नहीं मान रहा, डिफेंड करने में ये ठीक ठाक बॉलर है बट मैं डिफेंड पर नहीं जाऊँगा। हाँ ये चेज कर सकते हैं, कितना रन भी चाहिए, बेथ मुनी धीरे धीरे आपके लॉरा वर्ल्ड के साथ खेल सकती है, उसके बाद ये इंडिया के कुछ दो तीन प्लेयर आ सकती है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर नीचे में आपके एश गार्डनर और ये मैच विन करा सकती है, तो इट्स ए चेज टीम मैं बोलूंगा, ठीक है। तो जो मेरे को ऑन साइड पता चला मैंने आपको बता दिया, मेरा जो थिंकिंग होता है वही मैं आपको बताता हूँ, तो एसेस तो कुछ नहीं बोलना। बेसिक अगर देखा जाए तो चेज डिफेंड की बात कर लेते हैं, फिर वीडियो बंद करते थे, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। टीमें के ऊपर मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है, कुछ बेसिक चीज बता दी, अभी फाइनल बार देख लेता हूँ। देखिए अगर मेरे से आप ऐसे पूछोगे तो इसको मैं डिफेंड टीम मानूंगा, ठीक है। एक दो आपके तीन टॉप क्लास के बॉलर हैं, अगर ये भी खेलती है तो और अच्छा, और ये नीचे में जाकर के जैसा लास्ट ईयर भी मैंने आपको बोला, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो जैसे लास्ट में ये बची हैं तो लास्ट में डिफेंड टीम क्या होती है, जो आपको कितना रन भी बनाए मैच में करार ला सकती है। चेज टीम वो है मेरी नज़र में, मतलब जो शुरू से चेज ना हो, वो आखिरी के उनके प्लेयर कुछ ऐसे हो जो आपको बंद डिब्बा उड़ा दें, दो ओवर तीन ओवर में 30-35 रन चाहिए, आपको लगे आप नहीं जीत सकती। जैसे लास्ट ईयर ग्रेस हैरिस ने जिताया था इसके साथ मिलकर, 4 ओवर में 60-62 रन चाहिए टू बी प्रिसाइज, ठीक है, वो मैच भी मैंने आपको दिया था, तो वो मैच उन्होंने जिताया था क्योंकि इनके पास नीचे में हिटिंग कैपेबिलिटी है। तो एक दो तीन प्लेयर भी नीचे में अगर आपके अच्छे हैं तो ये चेज बनती है, तो है ये डिफेंड टीम, ठीक है। पहली चीज इसमें देखा जाए तो ये तो भाई प्योर चेज टीम है, मतलब एक से बढ़ के एक क्रिकेटर, कोई कमी नहीं है आप बोल सकते हो, नीचे तक इनके बल्लेबाज रहेंगे, ठीक है। तो इट्स अ चेज टीम, आप इसको प्योर चेज टीम मान सकते हो, ठीक है। ये इंडिया के लास्ट ईयर की चैंपियन है, ये आप डिफेंड भी मानो तो चेज भी मानो, ठीक है, क्योंकि इनके पास नीचे तक इनके पास बैट्समैन है, इंडिया के भी काफी अच्छे क्रिकेटर है, तो इट्स अ परफेक्ट टीम आप बोल सकते हो। गुजरात मैंने आपको बता दिया इट्स अ चेज टीम, और अगर इनकी बात अगर आप मेरे से करोगे तो ये भी मेरे को टीम काफी सही लग रही है। अगर देखा जाए तो इनकी बॉलिंग देखा जाए तो टिकास साधु आपकी अच्छी बॉलिंग करेंगे, ये अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो ऑन साइड अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऐसा नहीं है, ये भी भाई अगर ये लोग भी खेलेंगे तो चेज में कलर ला सकते हैं, पर फिर भी मैं इनको डिफेंड टीम ही बोलूंगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा था मैंने आपको बता दिया, कौन बहुत मोटा आपको जैकपॉट दे सकता है, ये सारी चीज मैं आपको एक एक मैच हो जाने के बाद जो डेली का वीडियोज बनाता हूं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ चीज जो आपको याद रखनी है, फाइनल बात बोल सकता हूं, ये आपको अंधा जैकपॉट दे सकती है डिफेंड का, अपनी बॉलिंग से और अपनी बैटिंग से भी, ठीक है। इसमें मैंने फोर ब्लिसफील्ड का आपको नाम बता दिया, आप लिख के रख लेना, ठीक है। ये टीम में तो आपकी अमेलिया के लिए सारी, इसके ऊपर मेरे को ज्यादा बात नहीं,
करनी। इसमें जॉर्जिया वेरेनहैम आपको कुछ ऐसा करके दे सकती है जो आपने सोचा नहीं होगा, बाकी टीम में कोई कमी है नहीं। इसमें आपकी यही है कि ये सब इतनी टॉप क्लास के बॉलर हैं कि कहीं ना कहीं आपको कोई भी मैच, तो आप जानते हैं उसमें मेरे कुछ बताना नहीं, ठीक है। तो चलिए जितना समझ आया उतना बताया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी जो डेली के वीडियोस बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। एक अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने मिल सकता है, हालांकि मैचेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ भी होगा बॉल नॉट रनिंग ऐसी सारी चीज़ मैं अब यहाँ पर तो नहीं बता पाऊंगा, मैं वहीं पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी आपके डेली के वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है।